हेलो स्टूडेंट, आज हम पढ़ेंगे डेवलपमेंट ऑफ रिसोर्सेज। सेकंड पॉइंट है चैप्टर फर्स्ट ज्योग्राफी 10th क्लास। इसका सेकंड पॉइंट हम पढ़ेंगे डेवलपमेंट ऑफ रिसोर्सेज मींस किस तरीके से अगर हमारे पास जो रिसोर्सेज हैं उसको हम डेवलप करें। सबसे पहले यहाँ पे स्टूडेंट एक क्वेश्चन बनता है, अगर आप अगर देखें हमें डेवलपमेंट करने की जरूरत ही क्यों है रिसोर्सेज को, व्हाई डू वी नीड डेवलपमेंट ऑफ रिसोर्सेज। क्योंकि रिसोर्सेज तो है, अभी आपने ऊपर देखा कि अवेलेबल है, ऑनरशिप में भी देखा आपने, एग्जॉस्टिबिलिटी में भी देखा, और बहुत सारे आपने देखे टाइप क्लासिफिकेशन में रिसोर्सेज हमारे पास हैं। लेकिन स्टूडेंट हमें जब भी किसी चीज़ की डेवलपमेंट करने की जरूरत होती है, जब वो हमारे पास लिमिट होती है और हमारी जो वांट होती है वो अनलिमिटेड होती है, यानी हमारी जो इच्छा है वो अनलिमिटेड है, हम एक ही चीज़ से अपनी बहुत सारी चीज़ों को पूरा करना चाहते हैं, जब अपनी ज़रूरत को कंप्लीट करना चाहते हैं, तो वहाँ पे ज़रूरत पड़ती है कि हमें रिसोर्स को डेवलप करना है। अगर हमारे पास रिसोर्सेज कम है और हमारी इच्छाएं ज़्यादा हैं तो वहाँ पे हमें डेवलप करने की ज़रूरत है, क्योंकि हमारी जो ह्यूमन्स की जो वांट्स है अनलिमिटेड है और जो हमारे रिसोर्सेज है वो लिमिटेड के हैं। तो आई होप सो यू कि आपको समझ आ गया होगा कि डेवलपमेंट ऑफ रिसोर्सेज की हमें नीड क्यों है। Resources are vital for human survival as well as for maintaining for quality of life. Resources एक बहुत ही ज़्यादा important role play करता है हमारी life survive करने के लिए और maintain करने के लिए हमारी life की quality को, कि किस तरीके से हमें अपनी life survive करनी है, उसको एक luxury देनी है। It was believed that resources are free gift of nature. एक बात ये भी है, इस पर विश्वास रखना पड़ेगा कि भाई एक डेफिनेशन यहाँ भी बनती है कि रिसोर्सेज फ्री गिफ्ट ऑफ नेचर है, यानी नेचर ने हमें ये दिया है, प्रकृति ने हमें ये एज ए उपहार के रूप में दिया हुआ है, गिफ्ट के रूप में दिए हुए रिसोर्सेज। एज अ रिजल्ट अब इसका उदाहरण, इसका परिणाम क्या होता है, जैसे कि ह्यूमन बींग्स हैं यूज देम इनडिस्क्रिमिनेटली, अगर उसे अंधाधुन यूज करेंगे, ना समझी से यूज करेंगे, बिना सोचे विदाउट थिंकिंग यूज करेंगे, एंड दिस हैड टू लैड टू द फॉलोइंग मेजर प्रॉब्लम, जिसकी वजह से बहुत सारी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ेंगी अगर हम रिसोर्सेज जो हमें नेचर से मिला है और अगर वो हम इनडिस्क्रिमिनेटली यूज करेंगे तो उसकी वजह से मेजर प्रॉब्लम क्रिएट होगी। स्टूडेंट यहाँ पे 4 वर्ड्स हैं जो आप अपने माइंड में सेट कर लीजिए, गिफ्ट ऑफ नेचर, रिसोर्सेज हमें नेचर से मिलता है, ह्यूमन बींग जब इनडिस्क्रिमिनेटली इसको यूज करता है, विदाउट थिंकिंग यूज करता है, तो वो सीधा सीधा क्या उसका रिजल्ट निकलता है, मेजर प्रॉब्लम्स। और वो मेजर प्रॉब्लम कौन सी है, डेप्लीशन ऑफ रिसोर्सेज फॉर सेटिस्फाइड द ग्रीड ऑफ अ फ्यू इंडिविजुअल्स। ठीक है, डेप्लीशन जो होता है यानी कमी होना किसी चीज का, बहुत ज़्यादा नीचे गिरना, फैल उसका रेट गिरना, यानी रिसोर्सेज कम होते जा रहे हैं, क्योंकि फॉर अ सेटिस्फाइड द ग्रीड ऑफ फ्यू इंडिविजुअल, कुछ लोगों की जो लालच है उसको कंप्लीट करने में। एक्युमुलेशन ऑफ रिसोर्सेज इन फ्यू हैंड्स, क्योंकि रिसोर्सेज क्या है, कुछ लोगों के हाथ में है, विच इज टर्न डिवाइडेड अ सोसाइटी, जिसकी वजह से जो सोसाइटी है उसके दो भागों में, दो सेगमेंट्स हो गए, टू सेगमेंट्स हो गए, हाफ्स एंड हैव्स एंड हैव नोट, और रिच एंड पुअर। यानी अगर हम इन दोनों को देखें तो हैव्स एंड हैव नॉट, यानी किसी के पास है और किसी के पास नहीं है, दो चीज़ों में डिवाइड हो गया है, हैव्स एंड हैव नॉट, रिच एंड पुअर, यानी एक्युमुलेशन ऑफ रिसोर्सेज फ्यू हैंड्स, कुछ हाथों में रिसोर्सेज का जरूरत से ज़्यादा होना, तो सोसाइटी में वो एक न्यू क्रिएट कर देता है पोजीशन, जिसकी वजह से हमारी सोसाइटी डिवाइड होगी अमीर और गरीब में, और कुछ लोगों के पास है, कुछ लोगों के पास नहीं है रिसोर्सेज। सेटिस्फैक्शन जो है, लालच पूरा करना किसी व्यक्ति का, वो रिसोर्सेज के लिए इम्पॉसिबल है। सेकेंड अगर हम पॉइंट देखें तो थर्ड, इनडिस्क्रिमिनेट एक्सप्लॉयटेशन ऑफ रिसोर्सेज है लैड टू ग्लोब इकोलॉजिकल क्राइसिस सच एज अ ग्लोब वार्मिंग, ओजोन लेयर डैमेजेशंस, एनवायरमेंटल पॉल्यूशंस एंड लैंड डिग्रेडेशन। जरूरत से ज़्यादा जब हम यूज़ कर रहे हैं, उसको एक्सप्लॉइट कर रहे हैं रिसोर्सेज को, तो वो उसकी वजह से क्या प्रॉब्लम हो रही है, इकोलॉजिकल हमारा बैलेंस डिस्टर्ब हो रहा है, प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं, वार्मिंग बढ़ रही है, कार्बन डाइऑक्साइड CO2 इंक्रीज हो रही है, ओजोन लेयर डैप्लेशन हो रही है, वो उसमें छेद होते जा रहे हैं, उस लेयर्स में वो कमज़ोर होती जा रही है, एनवायरमेंटल पॉल्यूशन इंक्रीज हो रहा है, लैंड डिग्रेडेशन हो रहा है, लैंड भी अब धीरे अपनी जो उसकी क्वालिटी है वो कम होती जा रही है,
वो भी कम होता जा रहा है। तो हमने ये तीन पॉइंट देखे, मेजर प्रॉब्लम इंक्रीज कब हो रही है स्टूडेंट, जब हम इनडिस्क्रिमिनेटली यूज कर रहे हैं। तो यहाँ पे क्वेश्चन बनता है व्हाई डू वी नीड रिसोर्सेज, डेवलपमेंट ऑफ रिसोर्सेज, एंड सेकेंड क्वेश्चन बनता है व्हाट इज द मेजर प्रॉब्लम ऑफ इनडिस्क्रिमिनेटली यूज रिसोर्सेज। अगर हम उसको जरूर से ज्यादा यूज करते हैं, मेजर प्रॉब्लम कौन कौन सी हैं जो क्रिएट होंगी। उसके बाद हम देखते हैं इन एक्विटेबल यानी उचित मात्रा में अगर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेज का हो, इक्विटेबल यानी जब बिल्कुल एक्वेट यानी उचित मात्रा सही सुटेबल डिस्ट्रीब्यूशन अगर होता है, वितरण होता है रिसोर्सेज का, तो बिकम एसेंशियल्स फॉर अ सस्टेन्ड क्वालिटी ऑफ लाइफ। तो लाइफ की क्वालिटी बनती है, जिसके लिए बहुत महत्वपूर्ण है कि हम जो डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है रिसोर्सेज का वो इक्वल होना चाहिए, कहीं पे कम या कहीं पे ज़्यादा नहीं होना चाहिए। एंड ग्लोबल पीस और क्वालिटी ऑफ लाइफ इंक्रीज होगी, क्योंकि अगर इसका जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो सही होगा तो इक्विटेबल होगा। तो इफ द प्रेजेंट ट्रेंड ऑफ रिसोर्सेज डेप्लेशंस बाय फ्यू इंडिविजुअल्स एंड कंट्रीज कंटिन्यू, अब जो भी ये ट्रेंड हो रहा है रिसोर्सेज का जो कम होते जा रहे हैं, डेप्लेशंस होते जा रहे हैं, वो क्यों हो रहे हैं, किसके द्वारा, कुछ लोगों की वजह से और कंट्रीज की वजह से जो कंटिन्यू यूज करते जा रहे हैं और वो सोच भी नहीं रहे हैं अपने फ्यूचर्स के लिए कि हमारे प्लैनेट एक डेंजर जोन में जा रहा है। कुछ लोगों की वजह से, कुछ कंट्रीज की वजह से हम लोग डेंजर, हमारा जो फ्यूचर है प्लैनेट का वो डेंजर में जा रहा है। इसीलिए देयरफॉर रिसोर्सेज प्लानिंग इज एसेंशियल फॉर सस्टेनेबल एक्जिस्टेंस ऑफ ऑल फॉर्म ऑफ लाइफ, इसीलिए बहुत जरूरी है रिसोर्सेज की प्लानिंग। अब आप यहाँ पे क्वेश्चन जैसे हमने पढ़ा था कि डेवलपमेंट की जरूरत क्यों है, तो डेवलपमेंट के साथ साथ आपने देखा कि प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है। अब जो प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है तो हमें प्लानिंग करने की जरूरत तो पड़ेगी ना। Why do we need planning of resources? हमें प्लानिंग करने की जरूरत क्यों है रिसोर्सेज की? तो हमें रिसोर्सेज की प्लानिंग एसेंशियल्स है, क्योंकि सस्टेनेबल एग्जिस्टेंस ऑफ, इसका मतलब ये होता है कि जो हमारा अस्तित्व है, दायित्व, वो जो हमारी लाइफ है, धारणता है, सतत है, या फिर हम फ्यूचर जनरेशन्स के लिए जो भी एक पॉइंट है उसके बारे में अगर हम सोचते हैं, वो सस्टेनेबल होता है। सस्टेनेबल एग्जिस्टेंस ऑफ ऑल फॉर्म ऑफ लाइफ के अंदर ये सारी फॉर्म आ जाती हैं, यानी सस्टेन डेवलपमेंट का मतलब ही सस्टेनेबल एग्जिस्टेंस के अंदर आ जाता है, इसके अंदर ही डेवलपमेंट आ जाता है। कैसे है, अगर हम इसकी डेफिनेशन समझें, हिंदी में इसे धारणता कहते हैं, यानी धारणता किसे कहते हैं, एग्जाम में ये बहुत नॉर्मल सा क्वेश्चन है जो कई बार देखा गया है कि आता है, तो आप इसे हिंदी और इंग्लिश दोनों में प्लीज अंडरस्टैंड कर लीजिए। सस्टेनेबल इकोनॉमिक डेवलपमेंट मींस डेवलपमेंट शुड टेक प्लेस विदाउट डैमेजिंग द एनवायरनमेंट। जब हम डेवलपमेंट करते हैं इकोनॉमिक डेवलपमेंट का, इसका मतलब ही ये लिया गया है कि आप बिना नुकसान पहुंचाए, यानी वातावरण को बिना नुकसान पहुंचाए, जब नेचुरल रिसोर्सेज को यूज करो, उनको डेवलप करो प्रेजेंट में, और उन्हें कम्प्रोमाइज विद द, शुड नॉट कम्प्रोमाइज विद द नीड्स ऑफ द फ्यूचर जनरेशन के लिए, उनको सोच के रखें कि आने वाली पीढ़ी के लिए अगर हम सुरक्षित रखते हैं तो, यानी कोई भी ऐसा कम्प्रोमाइज ना करना पड़े आने वाली जनरेशन को कि वो ऐसी प्रॉब्लम फेस करे कि आज तो आप इंडिस्क्रिमिनेटली यूज कर रहे हो, आंख बंद करके यूज कर रहे हो उस रिसोर्सेज को, पर फ्यूचर में जनरेशन को अगर नहीं मिलेगी तो उनको प्रॉब्लम क्रिएट होगी। तो हिंदी में अगर हम इसको बोलें, सिंपल सी लैंग्वेज में बोल सकते हैं कि नेचर डैमेजिंग प्लेस विदाउट डैमेजिंग द एनवायरनमेंट, डेवलपमेंट मतलब है शुड टेक प्लेस विदाउट डैमेजिंग द एनवायरनमेंट, बिना नुकसान पहुंचाए, वातावरण को बिना नुकसान पहुंचाए, और अभी प्रेजेंट में जितने भी हमारे पास संसाधन हैं उनको यूज करें और आने वाले जनरेशन के लिए सुरक्षित रखें। तो हमें इस तरीके से डेवलपमेंट करना है कि एनवायरनमेंट को नुकसान भी ना पहुंचे और आने वाली पीढ़ी के लिए जितने भी हमारे पास अभी रिसोर्सेज हैं वो सुरक्षित रहें। तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है प्लानिंग के, अगर हमें प्लानिंग करनी है तो इस चीज़ को हमें ध्यान रखना है कि डेवलपमेंट करना सस्टेनेबल है, यानी फ्यूचर जनरेशन के लिए हमें डेवलपमेंट तो करना है लेकिन हमें एनवायरनमेंट को नुकसान पहुँचाए बिना करना है, विदाउट डैमेजिंग करना है, जिसको देख के इसी के अकॉर्डिंग फिर ये बनाया गया। फर्स्ट यहाँ पे बोला है रियो डी जेनेरियो अर्थ समिट 1992 में एक ऐसा सम्मेलन हुआ था 1992 में, जो इसमें 100 से भी ज़्यादा स्टेट्स थे, रियो डी जेनेरियो इन ब्राज़ील के अंदर हुआ था। ब्राज़ील के अंदर ये रियो डी जेनेरियो है जहाँ पे 100 से भी ज़्यादा अधिकारी थे जो आए थे सम्मेलन के अंदर। ये 1992 में जून में हुआ था और इसका फर्स्ट इंटरनेशनल
अर्थ समिट है, यानी इसमें जो भी अंतर्राष्ट्रीय अर्थ से रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम थी उसको डिस्कस करने के लिए हुए थे। द समिट वॉज कन्वेंड फॉर एड्रेसिंग अर्जेंट प्रॉब्लम ऑफ एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एंड सोशल इकोनॉमिक डेवलपमेंट एट द ग्लोबल लेवल। यानी जो भी प्रॉब्लम हो रही है एनवायरमेंट उसके प्रोटेक्शन के लिए या आर्थिक सामाजिक प्रॉब्लम हो रही है उसको डेवलप करने के लिए ग्लोबल लेवल पे बात करने के लिए मीटिंग रखी गई थी। असेंबल लीडर्स साइन द डिक्लेरेशंस एंड ऑन ग्लोबल क्लाइमेट चेंज एंड बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी। और फिर लीडर्स जो थे उन्होंने घोषणा करी कि किस तरीके से जो चेंज आ रहे हैं ग्लोबल में या बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी वो है हमारे इसमें देश में या फिर ग्लोबल चेंजेस आ रहे हैं, तो उसके लिए उन्होंने लीडर्स ने घोषणा करी कि द रियो कन्वेंशन एडॉप्ट्स द ग्लोबल फॉरेस्ट प्रिंसिपल्स एंड एडॉप्टेड एजेंडा 21 के सभी को ये एडॉप्ट किया गया कि अधिकार दिया गया वो किस तरीके से इसको प्रिंसिपल्स फॉलो करें, फॉरेस्ट प्रिंसिपल फॉलो करें, एजेंडा 21 फॉलो करें और सस्टेनेबल डेवलपमेंट को अचीव करने की कोशिश करें, क्योंकि सस्टेनेबल डेवलपमेंट आपको बता ही दिया है क्या है। और इसके अकॉर्डिंग अगर हम देखें तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट के अकॉर्डिंग तो इससे साफ पता चलता है कि किस तरीके से सबने यहाँ पे समर्थन भी किया है, एंड्रॉस भी किया है। एंड्रॉस का मतलब ही ये होता है कि किसी योजना घोषणा निर्णय पे जब कोई मान जाता है समर्थन दे देता है। टू से पब्लिसी यू गिव ऑफिशियल सपोर्ट, यानी जब कोई एंडोर्स यानी जब कोई जैसे रियो कन्वेंशंस के अंदर जितने भी बैठे हुए थे मीटिंग कर रहे थे हैंडेड हेड ऑफ सबने क्या दी, अपनी सहमति दी उसके प्रिंसिपल्स पे, फॉरेस्ट प्रिंसिपल्स के लिए, एजेंडा 21 के लिए। अब नेक्स्ट में पढ़ेंगे एजेंडा 21 क्या था, उसके अंदर ऐसे कौन से पॉइंट्स थे जो इन पे इन्होंने सिग्नेचर करे, एंडोर्स करा। एंडोर्स यानी जब हम सहमति दे देते हैं अपनी किसी चीज पे अपनी हाँ कर देते हैं। एजेंडा 21 क्या था, डिक्लेरेशन था, इसमें साइन किया था लीडर्स ने 1992 में यूनाइटेड नेशंस कॉन्फ्रेंस जो ये सम्मेलन हुआ था इनका, यूनाइटेड नेशंस कॉन्फ्रेंस यानी संयुक्त राष्ट्र कॉन्फ्रेंस जो सम्मेलन हुआ था एनवायरनमेंट को लेके डेवलपमेंट को लेके, विच टू प्लेस एट रियो डी जेनेरियो में ब्राजील के अंदर। और इसका उद्देश्य यही था कि ग्लोबल सस्टेनेबल डेवलपमेंट करना है हमें किस तरीके से ताकि हम आने वाले फ्यूचर में कोई प्रॉब्लम फेस ना करें। एजेंडा का जो कॉम्बैट था एनवायरनमेंट डैमेज को लेके, पॉवर्टी को लेके, डिसीज यानी वातावरण को लेके कि वो किस तरीके से डैमेज हो रहा है, गरीबी को लेके, डिसीज बीमारियों को लेके, ये सब टॉपिक थे। एंड थ्रू ग्लोबल कोऑपरेशन ऑन कॉमन इंटरेस्ट सबकी सहमति से एंड मैचुअल नीड्स जो उनकी नीड्स हैं जरूरत हैं एंड शेयर रिस्पॉन्सिबिलिटी अपने दायित्व को शेयर करते हुए, यानी सब ने ये इसके थ्रू इन चीज़ों पर अपना नियम बनाए, रूल बनाए। एंड वन मेजर ऑब्जेक्टिव ऑफ द एजेंडा 21 का मेन ये मेजर ऑब्जेक्टिव है एंड इज दैट द लोकल गवर्नमेंट शुड ड्रॉ द ऑन लोकल एजेंडा 21 की सभी जितनी भी गवर्नमेंट्स हैं इस चीज को अपना 21 एजेंडा का अपना करना चाहिए, उनको इस चीज़ पे ध्यान देना चाहिए कि हमें किस किस पे ध्यान देना है। एजेंडा 21 का मतलब ही था कि जितने भी इश्यूज हैं चाहे वो एनवायरमेंटल डैमेज है, पॉवर्टी है, डिसीज है, इन सब के ऊपर ध्यान देना, आपको ऑपरेशन से देना है, सहयोग से देना। एजेंडा 21 किस लिए, ब्राज़ील में हुआ था 1992 में और रियो डी जेनेरियो के ब्राज़ील में वहाँ पे हुआ था। और आपको इसमें ये बहुत इंपॉर्टेंट है, तो ये दोनों आप पेपर में क्वेश्चन यहाँ से लेके यहाँ तक ये बहुत इंपॉर्टेंट है, तीनों पैराग्राफ आपको कोई भी क्वेश्चन आता है तो आपको आंसर देने हैं। सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या होता है एंड रियो डी जेनेरियो अर्थ समिट 1992 क्या था, एजेंडा 21 क्या था, ये आपको डीपली इसमें क्वेश्चन तीन शॉर्ट फॉर्म में क्वेश्चन आ सकते हैं, तो आपको इसमें लर्न करना है। उसके बाद है रिसोर्स प्लानिंग क्या होती है, जैसे कि अभी बताया कि हमें प्लानिंग के बिना हम काम नहीं कर सकते क्योंकि हमारे प्लानिंग की जरूरत ही जब होती है जब हमारे पास रिसोर्सेज बहुत लिमिट के होते हैं। तो प्लानिंग इज द वाइडली एक्सेप्टेड स्ट्रेटेजी फॉर द जुडिशियस यूज ऑफ रिसोर्सेज, यानी समझदारी से यूज कर सकें ऐसी एक स्ट्रैटेजी होती है। प्लानिंग का मतलब होता है कि जब हम रिसोर्सेज को यूज करने के लिए एक स्ट्रैटेजी बनाए, एक प्लान बनाए। इंपॉर्टेंट कंट्री लाइक इंडिया है, यहाँ तो बहुत ही ज़्यादा जरूरी है क्योंकि एनॉर्मस डाइवर्सिटी, यहाँ बहुत ज़्यादा विभिन्नता पाई जाती है इन द अवेलेबिलिटी ऑफ रिसोर्सेज की। रिसोर्सेज जो है यहाँ पे अलग अलग हैं, डाइवर्सिटी है, कहीं पे कम है तो कहीं पे ज़्यादा है,
इसीलिए इन्होंने बोला है कि इंडिया स्पेशल यहाँ पे प्लानिंग की बहुत जरूरत है। देर आर रीजन्स, कुछ ऐसे क्षेत्र हैं विच आर रिच इन सर्टेन टाइप्स ऑफ रिसोर्सेज, कहीं तो इंडिया के अंदर इतने रिसोर्सेज हैं, बहुत ज्यादा हैं, बट डिफिशियंट इन सम अदर रिसोर्सेज। अगर कुछ रिसोर्सेज बहुत ज्यादा है तो हम कह सकते हैं कि कुछ रिसोर्सेज यहाँ पे कम है। देर आर सम रीजन्स विच कैन बी कंसिडर सेल्फ सफिशियंट इन टर्म ऑफ द एबिलिटी ऑफ रिसोर्सेज एंड देर आर सम रीजन विच हैव एक्यूट शॉर्टेज ऑफ द सम वाइटल रिसोर्सेज। यहाँ पे बोला है कुछ क्षेत्र ऐसे भी हैं जो अपने सेल्फ सफिशियंट हैं, उनके पास रिसोर्सेज तो है, लेकिन हम ये भी कह सकते हैं कि उनके पास कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट रिसोर्सेज हैं तो कम होंगे। तो यहाँ पे साफ बताया हुआ है कि कोई क्षेत्र तो इंडिया के अंदर ऐसा है जो यहाँ पे बहुत ज्यादा रिसोर्सेज पाए जा रहे हैं, हो सकता है कि दूसरे रिसोर्सेज की कमी हो। कुछ क्षेत्र ऐसे हैं जो महत्वपूर्ण रिसोर्सेज तो है वहाँ पे पाए जा रहे हैं, लेकिन शॉर्टेज फिर भी है जो बहुत महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट रिसोर्सेज हैं। तो हर तरीके की क्षेत्र मिलेगा आपको इंडिया के अंदर, एग्जाम्पल के थ्रू समझेंगे। एग्जाम्पल में जैसे स्टेट झारखंड बताया, छत्तीसगढ़ है, मध्य प्रदेश है, यहाँ पे रिच मिनरल्स और कॉल मिलते हैं, डिपॉजिट्स हैं, यहाँ बहुत अच्छी तरीके से ये पाया जाता है मिनरल्स और कॉल। अरुणाचल प्रदेश में बोला है कि अबेंडेंस ऑफ वाटर रिसोर्सेज है, यहाँ पे बहुत अच्छी उचित मात्रा में पानी मिलता है, बट लैक इन इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट। इंफ्रास्ट्रक्चर का मतलब होता है जो बेसिक जो जरूरतें होती हैं उसके उसका वो होना, वहाँ पे होना किसी देश या संगठन के लिए आधारभूत सेवाएं जैसे भवन हो गया, यातायात हो गया, पानी हो गया, बिजली हो गया, तो ये जो फैसिलिटीज होती हैं वो इंफ्रास्ट्रक्चरल में आती हैं। यानी पानी तो है यहाँ पे अरुणाचल प्रदेश में, लेकिन जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो अभी डेवलपमेंट नहीं है, वहाँ पे कम है। इंफ्रास्ट्रक्चर यानी जो वहाँ पे ट्रांसपोर्ट, वाटर, पावर सप्लाई की अभी इतना डेवलप नहीं है। तो फिर है जैसे स्टेट ऑफ राजस्थान की बात करें, एंडाउड विद सोलर, यानी बहुत ज़्यादा जो अगर हम बोले एंडाउड यानी मनी जो है हम सोलर और विंड एनर्जी पे यूज़ करें, लेकिन बट लैक इन वाटर रिसोर्सेज, तो यहाँ पे हम इन पे तो यूज़ कर सकते हैं, एंडाउड कर सकते हैं सोलर पे और विंड एनर्जी पे, और लेकिन जो वाटर रिसोर्सेज है वो यहाँ पे क्या हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा कम है। तो इसीलिए यहाँ पे कुछ चीज़ें ज़्यादा हैं तो कुछ चीज़ें कम हैं, तो इस चीज में तो हम यूज कर सकते हैं। द कोल्ड डेजर्ट की बात करें लद्दाख की, तो रिलेटिवली आइसोलेटेड, ये बिल्कुल ही अलग है, सबसे आइसोलेटेड है, अलग है फ्रॉम द रेस्ट ऑफ द कंट्री, दूसरी कंट्रियों से। इट हैज़ वेरी रिच कल्चर हेरिटेज, यहाँ पे जो कल्चर है, संस्कृति है, वो बहुत ज़्यादा अच्छी है, बट इट इज़ डिफिशियंट इन वाटर, पानी की बहुत कमी है, इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी है, सम वाइटल मिनरल्स की कमी है। तो हम यहाँ पे हमने देखा कि कोल्ड डेजर्ट की बात हो रही है, राजस्थान की बात हो रही है, चाहे फिर अरुणाचल प्रदेश की बात हो या झारखंड छत्तीसगढ़ की बात हो। तो स्टूडेंट्स हमें यहाँ साफ पता चल रहा है कि किसी में अगर ज़्यादा रिसोर्सेज हैं तो दूसरे सेकेंड उसके अदर साइड में कुछ रिसोर्सेज कम हैं, तो कहीं पे कुछ पाया जाता है तो कहीं पे कुछ पाया जाता है। तो यहाँ डाइवर्सिटी पाई जाती है इंडिया के अंदर, तो हमें प्लानिंग की ज़रूरत है। और प्लानिंग की ज़रूरत मैंने आपको बताई थी कि क्यों पड़ती है, प्लानिंग की ज़रूरत हमें जब पड़ती है जब हमारी जो ज़रूरत है, हमारी जो डिज़ायर है, हमारी जो नीड्स है वो बहुत ज़्यादा होती है, और जो हमारे पास रिसोर्सेज होते हैं बहुत लिमिट के होते हैं। और अगर हमारे लिमिट के रिसोर्सेज हैं तो उससे हम नीड कैसे पूरी करेंगे। जैसे कि हम मान लेते हैं कि एग्जांपल आप चाय का ले लो या दूध का, जैसे कि हमारे पास 1 किलो दूध है, फैमिली के अंदर हमें जैसे चाय भी बनानी है और दूध भी देना है, तो लेकिन हम सबसे पहले किस चीज़ को प्रीफर करेंगे कि जो सब लोगों की जिसमें नीड ज़्यादा हो। अगर सब 3 से 4 लोग हैं जो चाय पीने वाले हैं, तो हम सबसे पहले दूध से हम सबसे पहले क्या पूरा करेंगे, प्लानिंग बना के कि भाई हमें चाय बनानी है, वो स्ट्रेटेजी होगी कि चलो भाई हमें क्या बनानी है, चाय। और अगर सेकेंडरी हम उसको देंगे ऑप्शन में कि दूध हम जब देंगे जब ये फर्स्ट प्राइमरी कंप्लीट हो जाती है, यानी स्ट्रेटेजी कंप्लीट हो जाती है चाय की, तो सेकंड अगर बचता है तो हम उसके बाद दूध दे सकते हैं किसी और को। अगर तो ये होता है प्लानिंग जब हमारे पास रिसोर्सेज बहुत लिमिट के होते हैं, और अनलिमिटेड हो तो हमें सोचने की प्लानिंग करने की जरूरत ही नहीं है, फिर प्लानिंग की जरूरत क्या है, फिर तो हमारे पास जितना चाहे उतना यूज करो। तो प्लानिंग हम करते हैं जब हमारे पास लिमिट बहुत रिसोर्सेज के बहुत कम है।
फिर यहाँ पे बोला इट हैज वेरी रिच कल्चर हेरिटेज, उसके बाद है यहाँ दिस कॉल फॉर बैलेंस, तो इसीलिए हमें बोला गया कि बैलेंस रिसोर्स प्लानिंग करना नेशनल स्टेट और रीजनल एंड लोकल लेवल पे, चाहे वो राष्ट्रीय हो या राज्य हो या कोई क्षेत्र हो या कोई लोकल एरिया हो, तो प्लानिंग रिसोर्सेज की करना जरूरी है जिससे कि बैलेंस हो जाता है। बैलेंस होने से क्या होता है कि जहाँ पे नहीं है वहाँ पर भी वो चीज़ पहुँचाई जा सकती है और जहाँ पे बहुत ज़्यादा है वहाँ से उसको यूज किया जा सकता है। अब रिसोर्सेज प्लानिंग इन इंडिया में किस तरीके से प्लानिंग की जाए तो वो भी तो देखनी है, क्योंकि इंडिया तो इतनी वास्ट ज्योग्राफिकल इसका एरिया है कि उसका तो हमें हर तरीके से देखना पड़ेगा। कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है, एक बहुत ही ज़्यादा डिफिकल्ट प्रोसेस है। इसके अंदर पहले आइडेंटिफिकेशन करनी पड़ती है, पहचान बनानी पड़ती है, इन्वेंट्री करनी पड़ती है, सूची बनानी पड़ती है रिसोर्सेज की, किस क्षेत्र में कंट्री में कहाँ पे है, क्रॉस द रीजन्स यानी क्षेत्र में अलग अलग एरिया में सब जगह पाया जाता है, तो कहाँ पे क्या एक सूची बनाई जाती है, पहचान की जाती है कंट्री के अंदर रिसोर्सेज की। उसके बाद बोला है दिस इन्वॉल्व सर्वे किया जाता है, इसके लिए मैपिंग की जाती है, क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव एस्टिमेशन किया जाता है, मेजरमेंट ऑफ रिसोर्सेज का सब कुछ देखा जाता है, रिसोर्सेज के लिए सर्वे भी किए जाते हैं, मैप बनाया जाता है, उसकी गुणवत्ता देखी जाती है, उसकी मात्रा देखी जाती है कितनी है, फिर एस्टिमेट ना फिर मेजर करते हैं कि भाई अब हमारे पास कितने रिसोर्सेज हैं। उसके बाद बोलता है इवॉल्विंग अ प्लानिंग स्ट्रक्चर के अंदर एंडाउंड, यानी कितना उसमें मनी हमें उचित मात्रा में लगाना है टेक्नोलॉजी पे या किसी स्किल पे या इंस्टीट्यूशन सेटअप करने पर, इम्प्लीमेंट करने पर रिसोर्सेज डेवलपमेंट प्लान में, एंडाउंड कितना करना है मनी, जो हम पैसा है वो इस स्ट्रक्चर प्लानिंग पे कितना खर्च करना है। एंड थर्ड में मैचिंग द रिसोर्सेज डेवलपमेंट प्लान विद ओवरऑल नेशनल डेवलपमेंट प्लान, क्योंकि फिर ये प्लान हमें ऐसा बनाना है जो राष्ट्रीय यानी देश के विकास से सीधा सीधा ऐड हो जाए। हमें मैच करना है कि जो रिसोर्सेज हम डेवलप कर रहे हैं उस प्लान के अंदर पूरे ओवरऑल नेशनल डेवलपमेंट प्लान डेवलपमेंट हो रहा है या नहीं हो रहा। तो ये तीन चीज़ें प्लानिंग बनाते हुए इंडिया के अंदर हमें ध्यान रखनी है कि पहले हमें इन्वेंट्री बनानी होती है, उसके बाद हमें एंडाउड यानी मनी देखना है, उसके बाद हमें ऐसा प्लान बनाना है जो नेशनल डेवलपमेंट से रिलेटेड हो सीधा सीधा। तो ये तीन चीज़ें आपको इसके अंदर इंडिया में मैपिंग प्लानिंग करते हुए ध्यान रखनी है। इंडिया हैज़ मेड कंसर्टेड efforts for achieving and goal of resources planning right from the first 5-year plan launch after independence. स्वतंत्रता के बाद से ही जो 5 वर्षीय योजना लॉन्च हुई थी उसके बाद से ही अपना उद्देश्य प्राप्त करने में सक्षम करने की पूरी कोशिश रही है, उसने अचीव करा है, कंसर्टेड करा है, बहुत ही ज़्यादा सॉलिड जिसे हम कहें ठोस अच्छे तरीके से उसने एफर्ट्स करे हैं इंडिया ने अपने प्लानिंग करने के लिए रिसोर्सेज के लिए। उसके बाद अगर हम पढ़ें तो अवेलेबिलिटी ऑफ रिसोर्सेज इज नेसेसरी कंडीशंस फॉर द डेवलपमेंट ऑफ एनी रीजन, किसी भी क्षेत्र के डेवलपमेंट करने के लिए रिसोर्सेज का होना बहुत ज़रूरी है, बट मेयर एबिलिटी कम होना यानी मेयर एबिलिटी ऑफ रिसोर्सेज इन द अबसेंस ऑफ कॉरेस्पॉन्डिंग चेंज इन टेक्नोलॉजी एंड इंस्टीट्यूशंस में है हिंडर डेवलपमेंट। हम अगर ये एबिलिटी कम होगी रिसोर्सेज की या फिर ये हमारे पास टेक्नोलॉजी या इंस्टीट्यूशंस नहीं होगा तो इससे हमें क्या होगी, हिंडर होगी, डेवलपमेंट करने में बाधा उत्पन्न होगी। And there are many reasons in our country are the rich in resources, but these include in economically backward. हम ये भी कह सकते हैं बहुत सारे ऐसे क्षेत्र हैं स्टूडेंट जो बहुत बहुत रिसोर्सेज हैं उनके पास, उस एरिया में खान है, चाहे वो कोयले की हों या तेल की हों पेट्रोल की हों, खान ही खान है, मतलब बहुत रिसोर्सेज हैं, बट हम कह सकते हैं वो इकोनॉमिकली बैकवर्ड रीजन्स हैं, वहाँ पे इतनी मतलब अभी आर्थिक जो होनी चाहिए वो वहाँ पे अभी आर्थिक व्यवस्था नहीं है, अभी सक्सेस नहीं है। ऑन द कंट्ररी अगर हम इसके विरोध में कहें तो इसको क्षेत्र ऐसे भी हैं जो पुअर रिसोर्सेज हैं, वहाँ रिसोर्सेज ही नहीं है और फिर भी वो डेवलपमेंट इकोनॉमिकली यानी वहाँ जो इकोनॉमिक आर्थिक स्थिति है वहाँ बहुत स्ट्रांग है। तो दोनों कंडीशंस हैं, लेकिन हमें हमें स्टूडेंट ध्यान तो देना ही पड़ेगा कि रिसोर्सेज की एबिलिटी होना सबसे फर्स्ट प्रायोर है डेवलपमेंट का किसी भी एरिया का। तो उसके बाद हम कह सकते हैं कि हिस्ट्री ऑफ कॉलोनाइजेशन ऑफ रेबियल, अगर हम उसकी बात करते हैं हमें पता चलता है रेबियल होता है कि भाई जब कॉलोनियल था तो वहाँ पे रिच रिसोर्सिस इन कॉलोनीज वर द मेन अट्रैक्शंस फॉर द फॉरन इन्वेडर्स, इन्वेडर यानी घुसना, फॉरन यहाँ पे जो आते थे उनका मेन अट्रैक्शन का सोर्स ही क्या था,
रिसोर्सेज था, उनको पता था कि इंडिया के अंदर रिच रिसोर्सेज हैं, बहुत ज्यादा रिसोर्सेज हैं, तो वो यहाँ पे इसीलिए अट्रैक्ट होते थे, इसीलिए फॉरन यहाँ पे आए फॉरन से. इट वॉज प्राइमरली द हायर लेवल ऑफ टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट ऑफ द कॉलोनीज कंट्रीज दैट हेल्प देम टू एक्सप्लॉइट रिसोर्सेज ऑफ अदर रीजन्स एंड एस्टैब्लिश देयर सुपरमेसी ओवर द कॉलोनीज. जिस तरीके से जो टेक्नोलॉजी थी डेवलपमेंट करी कॉलोनीज कंट्रीज के अंदर, जो फॉरेन से आते थे ट्रेड करने के लिए, उन्होंने सबसे पहले प्राइमरी सेट करा कि भी टेक्नोलॉजी करनी पड़ेगी डेवलप, क्योंकि विदाउट डेवलपमेंट, टेक्नोलॉजी के डेवलपमेंट के बिना तो चाहे कितने भी रिसोर्सेज हों स्टूडेंट कोई बेनिफिट नहीं है. तो जितने भी कॉलोनाइजिंग कंट्रीज थी जिनको गुलाम बना रखा था, उनको पहले टेक्नोलॉजी वहाँ पर डेवलप करी और उसी की वजह से हेल्प हो पाई एक्सप्लॉयट रिसोर्सेज को यूज़ करने में एंड रीजन एंड एस्टैब्लिश दिया सुपरमेसी. और वहाँ पर कॉलोनीज ने अपनी वहाँ पर डोमेन करा, सुपरमेसी एस्टैब्लिश करी एंड देयर फॉर रिसोर्सिस कैन कंट्रीब्यूट टू डेवलपमेंट ओनली व्हेन दे आर अकम्पेन्ड बाय एप्रोप्रिएट टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट एंड इंस्टीट्यूशनल चेंज. इसीलिए हम कह सकते हैं कि बहुत बड़ा डेवलपमेंट करने में कंट्रीब्यूट रहा है किसका रहा है, टेक्नोलॉजी का और इंस्टीट्यूशंस चेंज का. ये सब जो यहाँ पे हमने देखा टेक्नोलॉजी का, तो इसका डेवलपमेंट करने में बहुत बड़ा रोल है टेक्नोलॉजी का. और इंडिया ने एक्सपीरियंस लिया है इन सब चीज़ों से, इनको देखकर अलग अलग कॉलोनाइजेशंस को जो उन्होंने फेस कराया है उस टाइम पे, ड्यूरेशंस जब फॉरेन आए लोग यहाँ पे थे तो उनके टाइम पे उन्होंने एक्सपीरियंस करा है अलग अलग फेसेस को. एंड इंडिया डेवलप जनरल रिसोर्सेज अगर डेवलप कर भी पाई है तो किस वजह से है. रिसोर्सेज डेवलपमेंट इन पर्टिकुलर डज नॉट ओनली इन्वॉल्व द एबिलिटी ऑफ रिसोर्सेज, सिर्फ रिसोर्सेज का डेवलपमेंट होना ही एक डेवलपमेंट नहीं है, उसके साथ साथ एबिलिटी होनी चाहिए, रिसोर्स होना चाहिए, संसाधन होने चाहिए, टेक्नोलॉजी होनी चाहिए, क्वालिटी ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज यानी ह्यूमन के अंदर भी इतनी क्वालिटी होनी चाहिए कि वो इन सबको प्रॉपर तरीके से यूज़ कर सके एंड द हिस्टोरिकल एक्सपीरियंस ऑफ द पीपल. ये चार थिंग्स ऐसी हैं स्टूडेंट जिसकी वजह से इंडिया डेवलपमेंट कर पाया. एक तो बैक जो उनको एक्सपीरियंस मिला था कॉलोनाइजेशन के टाइम पे, और सेकेंड उनकी टेक्नोलॉजी और खुद का ह्यूमन डेवलपमेंट और जो भी उनका एबिलिटी ऑफ रिसोर्सेज है, ये फोर थिंग्स हैं जिसकी वजह से इंडिया रिसोर्सेज को डेवलपमेंट कर पाई. अब यहाँ पे प्लानिंग भी आपने क्लियर करा डेवलपमेंट क्यों कर पाए, और ये भी आपने देखा क्योंकि उनको अभी टेक्नोलॉजी से ही डेवलपमेंट होता है. उसके बाद हम पढ़ेंगे कंजर्वेशन ऑफ रिसोर्सेज, किस तरीके से अब हमें रिसोर्सेज को सुरक्षित करना चाहिए, संरक्षण करना चाहिए. ये नहीं है कि भाई हमें उसको इनडिस्क्रिमिनेटली यूज़ करना चाहिए, बिना सोचे समझे करना चाहिए, क्योंकि एक टाइम के बाद आपको पता है कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो नॉन रिन्यूएबल हैं, जो ख़त्म हो जाएंगी. रिन्यूएबल तो कॉन्टीन्यूज रहेंगी लेकिन नॉन रिन्यूएबल जो है वो कॉन्टीन्यूज नहीं रह पाएंगे, इसीलिए हमें उन्हें कंजर्व करने की बहुत ज़रूरी है. तो रिसोर्सेज आर वाइटल फॉर एनी डेवलपमेंट एक्टिविटी, किसी एक्टिविटी भी करने के लिए, डेवलपमेंट एक्टिविटी करने के लिए हमें बहुत ज़रूरी है रिसोर्सेज कोई भी. बट इरेशनल अगर हम ना सोचें, माइंड से ना सोचें, कंजप्शन एंड ओवर यूटिलाइज करते रहेंगे, उसको कंज्यूम करने की सोचें ना, उसको रखने की ना सोचें स्टॉक में और यूटिलाइज करें रिसोर्सेज को, तो वो सीधा सीधा सोशल इकोनॉमिक और एनवायरमेंटल प्रॉब्लम क्रिएट करेगा, सामाजिक आर्थिक प्रॉब्लम क्रिएट करेगा, वातावरण की प्रॉब्लम क्रिएट करेगा. तो ओवरकम दीज प्रॉब्लम को हम जब भी दूर कर सकते हैं, इससे जब भी हम ओवरकम हो सकते हैं, अगर हम इसको कंजर्व करें, रिसोर्सेज को संरक्षण करें, इसको हम सेव करें और वेरियस लेवल इट्स इम्पॉर्टेंट. इसके बहुत सारे ऐसे लेवल हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट हैं एंड दिस हैड बीन द मेन कंसर्न ऑफ द लीडर्स एंड थिंकर. और जो मेन लीडर्स और थिंकर्स हैं वो इसके बाद बारे में कंसर्न भी करते हैं, सोचते भी हैं. जैसे कि गांधी जी ने बोला है, वॉज वेरी एप्ट इन वॉइसिंग हिज कंसर्न अबाउट रिसोर्सेज कंजर्वेशन इन दिस वर्ल्ड. तो उन्होंने इसको गांधी जी ने अडेप्ट करा है, एग्जाम्पल में बोला है, रिसोर्सेज कंजर्वेशन इन दीज वर्ल्ड. इसमें साफ पता चलता है कि किस तरीके से हमें रिसोर्सेज को कंजर्व करना चाहिए. इनफ एवरीबॉडी नीड, गांधी जी ने बोला है कि जो हमारे पास
सबकी जरूरत को पूरा कर सके, इतने हमारे पास रिसोर्सेज हैं, नॉट फॉर एनी बडीज ग्रीड, लेकिन हम किसी के लालच को पूरा नहीं कर सकते। तो यहाँ पे उन्होंने अपना कंसर्न बताया है कि रिसोर्सेज कंजर्वेशन के लिए गांधी जी ने बोला है कि हम लालच को तो पूरा नहीं कर सकते लेकिन जरूरत को पूरा कर सकते हैं, हमारे पास इतने रिसोर्सेज हैं। ही प्लेस द ग्रीडी एंड सेल्फिश इंडिविजुअल एंड एक्सप्लॉयटेशन नेचर ऑफ मॉडर्न टेक्नोलॉजी। अगर हम इन चीज़ों को, लालच को और जो हमारा खुद का लालच है या सेल्फ इंडिविजुअल या एक्सप्लॉयटेशन ऑफ नेचर हम करते हैं, उसको जरूरत से ज़्यादा यूज़ करते हैं प्रकृति को और मॉडर्न टेक्नोलॉजी, तो एज अ रूट केस ये मेन रीज़न बनता है डेप्लेशन ऑफ ग्लोब लेवल का, यानी हमें जो ग्लोबल लेवल है उस पर हमें डिग्रेडेशन या डेप्लेशन देखने को मिलती है कि किस तरीके से CO2 भी बढ़ गया है और हमारी प्रकृति को नुकसान पहुंच सकता है अगर हम अपने लालच को और एक्सप्लॉयटेशन को या फिर मॉडर्न टेक्नोलॉजी को सही तरीके से यूज ना करें। तो ही वॉज अगेंस्ट मास प्रोडक्शन एंड वॉन्टेड टू रिप्लेस इट विद द प्रोडक्शन बाय द मासेस। ही वॉज अगेंस्ट मास प्रोडक्शन के अगेंस्ट, जैसे कि बहुत ज़्यादा मात्रा में प्रोडक्शन करते हैं या अपनी जो हमारी इच्छाएँ हैं अपनी प्रोडक्शन के साथ, बाय द मासेस यानी अधिक चीज़ों को हम यूज़ करते हैं उसको अगर हम उस पर कंट्रोल करें, तो उसी को करते हुए यहाँ पे एक दिया हुआ है कि इंटरनेशनल लेवल पे कोशिश की गई है कि वांट रिप्लेस, हम किस तरीके से अपनी वांट को रिप्लेस कर सकते हैं और विद इट प्रोडक्शन बाय द मासेस, जैसे कि इंटरनेशनल लेवल है, क्लब ऑफ रोम में इसको एडवोकेट किया गया, स्टार्ट के लिए बढ़ावा दिया गया, क्लब जो रोम में क्लब ये है कंजर्व करने के लिए बनाया गया कि रिसोर्स को किस तरीके से कंजर्व करना है, तो पहली बार ऐसा हुआ सिस्टमैटिक 1968 में इसको बनाया गया इंटरनेशनल लेवल पे। सब्सिक्वेंटली उसके बाद 1970 में फिर तो ये एक के बाद एक आना शुरू हुआ, गांधियन फिलोसफी वॉज वंस अगेन प्रेजेंटेड की गई, जो गांधी की फिलोसफी थी कि हम लालच को पूरा नहीं कर सकते हैं और ज़रूरत को पूरा कर सकते हैं। तो यहाँ पे सैमुसर उन्होंने की बुक है जिसमें लिखा हुआ है स्मॉल इज ब्यूटीफुल, के किस तरीके से ब्यूटीफुल, स्मॉल इज ब्यूटीफुल में उन्होंने शो करा है यही लाइन को, गांधी की फिलोसफी को। एंड द सेमिनल कॉन्ट्रीब्यूशन विद रिस्पेक्ट टू रिसोर्सिस कंजर्वेशन एट द ग्लोब लेवल वॉज मेड बाय द ब्रुंटनलैंड, उन्होंने भी अपनी रिपोर्ट में आगे इसको दिखाया है ग्लोबल लेवल कंजर्वेशन करने के लिए 1987 में। तो यहाँ पे पहले रोम ने 1968 में इसी सिस्टमेटिक तरीके को दिखाया कंजर्व करने के लिए रिसोर्सेज को, सेकेंड टाइम पे 1974 में फिर इन्हें सैमुसर ने उसके बाद फिर यहाँ पे थर्ड में बोला है 1987 में ब्रुंटनलैंड कमीशन रिपोर्ट में भी इन्होंने यही कोशिश करी किस तरीके से कंजर्व किया जाए, सुरक्षित किया जाए। तो ये तीन रिपोर्ट्स के नाम दे रखे हैं रिसोर्सेज को कंजर्व करने के लिए। उन्होंने बाद में इसको कॉन्सेप्ट को इंट्रोड्यूस कराया अपनी रिपोर्ट को सस्टेनेबल डेवलपमेंट के नाम से, जिसका मतलब है कि कंजर्व करना रिसोर्सेज को, और इट मेन द रिसोर्सेज कंजर्व विच सब्सिक्वेंटली पब्लिश इन अ बुक में। इन सब के जो ये रिसोर्स हैं, जो रिपोर्ट उन्होंने कॉन्सेप्ट में लिखी है, उसको बाद में ओवर अवर कॉमन फ्यूचर के नाम से एंटाइटल दिया गया उनकी बुक को और पब्लिश हुई। और उसके फायदे जो थे उस यही थे कि किस तरीके से अर्थ समिट एट रियो जेनेरियो ब्राज़ील 1992 में हुआ, ये उसी का कॉन्ट्रीब्यूशन, उसी की महत्वपूर्णता इसके अंदर शो करी गई है कि किस तरीके से हमें काम करना चाहिए प्रकृति के साथ, नेचर के साथ, क्योंकि अगर हम आज प्रकृति के बारे में नहीं सोचेंगे तो कल हमें ही उसका लॉस होगा और भविष्य में जो होने वाली घटनाएं हैं उससे रिलेटेड हमें सोचना, कॉन्ट्रीब्यूट करना बहुत ज़रूरी है। तो यहाँ पे साफ बताया है कि अब लोग कंजर्व करने के लिए सोसाइटीज़ हैं या कुछ लोगों ने कोशिश करी कि किस तरीके से हमें आगे बढ़ना चाहिए, इस पैराग्राफ में यही है। नेक्स्ट टॉपिक में हम लैंड रिसोर्सेज पढ़ेंगे, अभी हमने पहले फर्स्ट प्रीवियस में पढ़ चुके हैं कि रिसोर्सेज क्या है, नेक्स्ट में पढ़ा हमने रिसोर्सेज डेवलपमेंट की ज़रूरत क्यों है, उसकी प्लानिंग की ज़रूरत क्यों है। अब थर्ड में हम पढ़ेंगे लैंड रिसोर्सेज टॉपिक में कि लैंड है क्या और उसके यूटिलाइज कैसे करते हैं। अभी आपको इस वीडियो में सिर्फ यही समझना है डेवलपमेंट, व्हाई डू वी नीड डेवलपमेंट ऑफ रिसोर्सेज और उसकी हमें प्लानिंग क्यों ज़रूरत है, इंडिया में हम प्लानिंग किस तरीके से कर सकते हैं। ये दो तीन क्वेश्चन हैं स्टूडेंट जो आपको ध्यान रखने हैं और ये वन वर्ड के क्वेश्चन में से आप प्लीज़ लर्न कर लीजिए, आपके लिए बहुत बेनिफिशियल होगा। थैंक यू।